दोस्तों, मैं हूं रतन और आपका स्वागत है टाटा जी टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा घर है वो विजिट करके दिखाऊंगा। यहां पर हमने प्लम्बिंग का काम किया है। ये देखिए कितना सुंदर घर है, दुल्हन की तरह सजेस्ट कर मैं आपको मैं प्लम्बिंग का पूरा काम दिखाने वाला हूं। देखिए एक भी पाइप बाहर नज़र नहीं आ रहा है, सारी पाइप हमने अंडरग्राउंड वो फिटिंग करे हैं। और वो देखिए ऊपर दो गैस पाइप भी है, तो बहुत ही सुंदर फिटिंग करी है। ये घर है चायल विला मोहसिन खान भाई साहब का, ये घर है और सन ऑफ यूनुस खान चायल, तो बहुत ही सुंदर घर है। घर में एंटर होते ही दो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। ये देखिए ये टॉयलेट है, इसमें इंडियन टॉयलेट सीट भी है जो काफ़ी गहरी है। बड़ी वाली बिग साइज़ की सीट हमने लगाई है, दो टूंटी लगाई है, एक मैन सप्लाई की है और एक टंकी का पानी आएगा, तो दो टूंटी हमने लगाई है। क्लाइंट ने बोला है इसीलिए दो टेप्स हमने दी है। और ये देखिए सिस्टर्न हमारी प्लास्टो कंपनी की है, सिस्टर्न को थोड़ी हाइट पर लगाया है तो प्रेशर बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखिए सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी और ये प्लास्टो कंपनी की सिस्टर्न है। और ये देखिए ये हमारी वन पीस टॉयलेट सीट है, तो इसमें दोनों सीटों को हमने सेट किया है। और ये देखिए एंड सावर का प्रेशर बहुत अच्छा है। टंकी हमारी दूसरे माले पर है, तो ये देखिए एंड सावर सारे हमने PTMT के नल लगाए हैं, एंगल वॉल लगाए हैं और खारे पानी में ये बेस्ट रहेंगे। और ये हमारा जेट का पॉइंट है और बहुत ही अच्छे से हमने दोनों सीटों को फिटिंग किया है माप तोल करने के बाद, और दोनों अच्छे से फिटिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोलिक है हमारा सीट कवर भी। तो ये हो गया टॉयलेट का एरिया। और दोस्तों जस्ट टॉयलेट बाथरूम के बाहर हमने वो वॉश बेसिन लगाया है, पेडल वॉश बेसिन वाइट है। और ये बिग साइज़ का शीशा लगाया है, ये टॉवल रिंग लगाई है, एक साबनदानी भी लगाई है साबुन रखने के लिए। प्रेशर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो टूंटी है वो हमने PTMT की लगाई है, हमारे यहाँ खारा पानी है तो ये प्लास्टिक के नल है वो बहुत ही अच्छे चलते हैं और कम सर्विस इनकी लगती है और इनकी 3 साल की गारंटी मिलती है। और ये PTMT टेप्स ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पानी एकदम से सेंटर में गिर रहा है, यही है वो मिस्त्री की पहचान होती है। और इस प्रकार से हमने सारी फिटिंग करी है। और ये वाइट वॉश बेसिन हो गया। और ये हमारा छोटा सा बाथरूम है, इसमें हमने बेंड मिक्सर लगाया है जो PTMT का है। और ये देखिए इधर आप चालू करेंगे टंकी का पानी चालू हो गया, और इसको आप बंद करेंगे इधर चालू करेंगे तो गर्म पानी आएगा। और ये देखिए इस प्रकार से पानी आएगा, और इसे आप वो बीच में कर देंगे तो ये अभी बंद की पोजीशन में है, तो अभी सारा पानी बंद है। और ये हमारा एक मेन सप्लाई की हमने टूंटी लगाई है, इसका प्रेशर भी अच्छा आ रहा है, यहाँ पर ताज़ा पानी भी 24 घंटे आता है। दो टाइल के कॉर्नर लगाए हैं टाइल वाले मिस्त्री साहब ने, और एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा है बाथरूम के अंदर, बाथरूम में बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी, एकदम सूखा सूखा बाथरूम रहेगा। और ये हमारा इधर हमने मोटर लगाई है, ये चैम्बर हो गया मीठा पानी का, इधर अंडरग्राउंड टैंक है कुंड बोलते हैं जिसको, उसके लिए हमने ये चैम्बर तैयार किया है, एकदम साफ़ सुथरा चैम्बर बनाया है। इधर हमारी मोटर फिटिंग है, मोटर दोस्तों दो पानी उठाएगी, एक तो टंकी का जो नीचे अंडरग्राउंड बनी हुई है, एक मेन सप्लाई पाइपलाइन का, तो दोनों पानी को ऊपर फेंकेगी। और ये हमारा हॉल का एरिया है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है जो फॉल सीलिंग की हुई है वो। और ये हमारा हॉल के अंदर एक ये वॉश बेसिन है, पेडल वॉश बेसिन, ब्लैक टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ पर लग्जरी। और ये देखिए यहाँ पर हमने वॉश बेसिन का सेंट्रल हॉल मिक्सर है वो लगाया है, और इसमें गर्म पानी आ रहा है, इधर बीच में मिक्स आएगा, इधर राइट साइड में वो टंकी का आएगा। एक साबनदानी लगाई है, बड़ा सा शीशा लगाया है, एक टॉवल रिंग लगाई है, तो वॉश बेसिन का लुक तभी आता है जब आप ये सारी चीज़ें वो लगवाते हैं तो। और ये हमारा किचन का एरिया है, महिलाओं के लिए किचन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उन्हीं की फरमाइश पर यहाँ पर ये हमने सिंक मिक्सर लगाया है, इसमें गर्म और ठंडा पानी आएगा। एक मेन सप्लाई की टूंटी लगाई है, ऊपर हमारा गीजर लग जाएगा छोटा गीजर। और ये देखिए लेफ्ट साइड में हमारा गीजर का आएगा, राइट में हमारा टंकी का आएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा किचन का एरिया, अब मैं आपको ऊपर चलकर दिखाता हूँ हमने ऊपर किस प्रकार से फिटिंग करी है। ये देखिए सबसे पहले हमने वॉश बेसिन लगाया है, यहाँ पर इंग्लिश टॉयलेट सीट है और ये 300 रुपये का हमने वॉश बेसिन लगाया है, ऊपर PTMT का नल लगाया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये हमारा वन पीस टॉयलेट सीट है, ये देखिए 9 इंच सेंटर वाला। और ये हमारा हैंड शावर का वो ये प्रेशर देखिए आप कितना अच्छा आ रहा है, तो ये जस्ट इसके ऊपर है टैंक, तो ये सेकेंड फ्लोर है। और एक हमने टूंटी लगाई है, एक ये जेट का पॉइंट हो गया, एक सिस्टर्न को भरेगा, और जो पीछे पिचकारी का हमने कनेक्ट किया है, और गीजर का पॉइंट इसी में छोड़ा है, बाहर ये वॉश बेसिन लगाया छोटा सा। तो दोस्तों ये पुराना वॉश बेसिन है वो यूनुस खान साहब के पास पड़ा था, तो हमने इसको छत पर लगा दिया, ये पुराना वॉश बेसिन था
और ये कभी टूट जाएगा तो नया लगा लेंगे। तो ये देखिए शीशा हमारा, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एक छोटी सी साबनदानी हमने लगाई है, प्रेशर बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों पानी के प्रेशर की कहीं पर कोई कमी नहीं है। हमने जो टंकी का आउटलेट निकाला है वो मोटा निकाला है, जिससे प्रेशर हो सारे बाथरूम्स में टॉयलेट्स में हो बहुत ही अच्छा है। ये हमारा कंट्रोल वाल्व हो गया, यहाँ पर ये अटैच में हो रूम के अटैच में बाथरूम है छोटा सा, जिसमें दो टूंटी है टंकी सप्लाई की और गीजर की। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ भी सवाल हो आप कमेंट में पूछें। धन्यवाद।